इन सब सब कैसे हैं। मैं रश्मि स्टाइलिश ब्यूटी, आज हम शेयर करने वाले हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। मैंने इस लुक को क्रिएट ओलिविया पेनस्टिक से किया है। मैंने इस लुक को क्रिएट बहुत ही अफोर्डेबल बजट में किया है। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने आईब्रो को फिल कर लेंगे। ये ADS का आईब्रो पेंसिल है, हम इसी से अपने आईब्रो को फिल कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ऐसे आईब्रो को फिल कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देता है। आईब्रो हमारा फिल हो चुका, अब इसे हम कॉम कर लेंगे। अच्छे से अपने आईब्रो को सेट कर लेंगे। ओलिविया पेंस्टिक को ही एज अ आई कंसीलर यूज़ करेंगे। इसे हम ब्रश की मदद से इसे हम अपने आईब्रो के किनारे किनारे ऐसे लगा लेंगे। इसी तरह से इससे हमारा आईब्रो बहुत ही क्लीन दिखता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमें थोड़ा ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एक ब्रश की मदद से कंसीलर को सेट कर लेना है। इसे हमें हल्के हाथ से ही कंसीलर को सेट करना है, ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। अब हम इसी को अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई करेंगे। अच्छे से कंसीलर को लगा लेंगे दोनों आईज पे इसी तरह से। ओलिविया पेंस्टिक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल हाई कवरेज देता है, ये बिल्कुल बेस की तरह ही इफ़ेक्ट देता है। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है, ये किसी भी लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप सभी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये वाटरप्रूफ होता है। मैंने यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट से ब्राउन कलर पिक किया है अपने आईलिड एरिया पे। इसे हम ब्रश की मदद से अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें ब्लेंड करना है। ध्यान रहे कि हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, नहीं तो हमारा आई मेकअप उभर के नहीं आएगा। हमें बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड करना है, बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह से हम दूसरे आँखों में भी ऐसे ही लगा लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें ब्लेंड करना है। आई मेकअप करते समय हमें ब्लेंडिंग पे प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो हमारा आई मेकअप उभर के नहीं आएगा, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर पिक करेंगे अपने कट क्रीज एरिया पे। इसी तरह से हम कट क्रीज बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से हमें अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी आँखों में भी ऐसे ही लगा लेना है। अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। अब मैंने पिक किया है मरून कलर, इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह से हम दूसरी आँखों में भी ऐसे ही लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे आईलाइनर, ये ब्लू हेवन का लिक्विड आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है। पतला लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इसी तरह से, बिल्कुल। इसी तरह से हम दूसरे आँखों में भी ऐसे ही लगा लेंगे।
हम ज़्यादा मोटा लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें पतला ही रखना है। अब हम मस्कारा लगाएंगे। ये फेस क्वीन का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, इसका ब्रश बहुत ही अच्छा है, आसानी से लग जाता है। देखिए इसी तरह से हम दोनों आँखों में ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। अब हम काजल लगाएंगे। ये मेवलिन का काजल है, वाटरप्रूफ है, ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम लगा लेंगे। अब हम मरून कलर अप्लाई करेंगे अपने लोअर लैश पे। इसी तरह से हम ब्रश की मदद से लगा लेंगे। ऐसे हम दोनों आँखों में ऐसे अप्लाई कर लेंगे। एक ब्रश की मदद से अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे। एब्रो के नीचे भी ऐसे ही हाईलाइट कर लेंगे, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फेस मेकअप करेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर क्रीम। इसे हमें फिंगर की मदद से पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है। फिंगर की मदद से पूरे फेस पे हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मेकअप से पहले हमें मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब हम ओलिविया पेस्टी का कंसीलर अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे। ऐसे हमें डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है। हमें फेस और नेक पे दोनों पे लगाना है, नहीं तो हमारा फेस और नेक अलग अलग दिखेगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसे हमें ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आसानी से ब्लेंड हो जाता है। इसे हमें हल्के हाथ से इसे ब्लेंड कर लेना है। हम यहाँ पर किस ब्यूटी का कम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर लेंगे। इससे हमें पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अब हम ब्लशर लगाएंगे। ये प्रो का पैलेट है, जब भी ब्लशर लगाएं स्माइल करके लगाएं, इससे चीक बोन्स उभर के आता है, हमें पता चलता है कि हमें ब्लशर लगाना कहाँ पे है। बिल्कुल इसी तरह से हम लगा लेंगे। हमें थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाएंगे ब्लशर, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे। आपको जहाँ जहाँ पसंद हो आप वहाँ वहाँ हाइलाइटर लगा सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। ये मरून कलर का लिपस्टिक है, मैट लिपस्टिक। हम यहाँ पर एक बिंदी लगा लेंगे। ये रहा हमारा फाइनल लुक। मैंने इस लुक को क्रिएट बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है। इस लुक को क्रिएट करना काफ़ी इजी है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।